प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग माता जाके पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने माहौल बहुत गर्म कर दिया है। तो मैं वापस कर दिया जी जी। अब जैसा कमांडो है तो कमांडो भी गर्म ही है। एक देश को, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कमांडो। कमांडो हैं तो देश है, हम हैं, हम सुरक्षित हैं। और पहली बार इस फिल्म में मैं पॉजिटिव रोल में हूँ और इसके जो स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर हैं अमित सराफ जी, वो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाई मुझे और उन्होंने मुझे एक रोल सुनाया, तो मैंने उनको सिर्फ रोल सुन के ही कहा कि यार देशभक्ति के ऊपर अगर फिल्म बनी है और उसमें मैं आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, तो बचपन में कभी शौक था कि आर्मी ऑफिसर बनूँ, तो वो तो नहीं बन पाया शायद इस फिल्म में करके वो सपना पूरा कर सकता हूँ। तो धन्यवाद है अमित जी को। और सबसे बड़ी बात है, सद्दाम के साथ मैंने पहले भी काम किया, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है भोजपुरी के पहले हीरो जो लॉन्च हो रहे, जो असिस्टेंट डायरेक्शन करके यहाँ तक आए। जो हिंदी फिल्मों में नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं, बड़े स्टार्स आते हैं, वो पहले डायरेक्शन में होते हैं, सीखते हैं, फिर वो हीरो बनते हैं। तो सद्दाम को बहुत बहुत बधाई, इसी तरह आप मेहनत करिए और अच्छा काम करिए, मैं इतना ही कहूँगा। मेरे भाई, छोटे भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेचारे बहुत दिन से मुझे फॉलो किए, फाइनली हम लोग फिल्म में काम कर रहे हैं। विनय भैया मिले, विनय भैया के साथ काम कर रहा हूँ मैं भी, इनके गाने हैं, गाने मेरे ऊपर तो नहीं होंगे लेकिन देशभक्ति के गाने हैं, तो अच्छा कुल मिला के एक अच्छी फिल्म है, अच्छी स्क्रिप्ट है। और इसका शूट होने वाला है चाइना का बॉर्डर, एक और जज्बात हम लोगों के अंदर है कि चाइना से इतनी नफरत हम लोगों की, चलो कहीं हमें एक दो बम फोड़ मत दीजिए जो हमने चल के। कमांडो के लिए मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और मैं अमित जी से यही बात बोलूँगा कि फिल्म अच्छी बनाइए, ताकि जैसे कि मैं सुन रहा हूँ कि औरतें जो हैं वो फिल्मों से बहुत दूर हो चुकी है, थिएटर से बहुत दूर हो चुकी है, ज़रूरत है अच्छे सिनेमा की, अच्छी मेकिंग की और वल्गरिटी से दूर की। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से कि अच्छी फिल्में ही करूँ। मैं भी बहुत चीज़ें पीछे से कम करना शुरू कर दी, जैसे रेप उप सीन का मैं मना कर देता हूँ कि यार सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस हिसाब से है, अमित जी के हाथ में सारा बागडोर है, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे। सद्दाम की तरफ से नमस्कार। फिल्म सर, अपना फिल्म का नाम है कमांडो वन मिशन। फिल्म एक देखा जाए तो सबसे पहले अपना ये फिल्म जो है कमांडो एक कंसेप्ट हीट है। सबसे बड़ी बात, हमने सर ने कंसेप्ट सुना है मुझे कि कंसेप्ट ऐसा ऐसा है, कंसेप्ट देखा गया तो सबसे सुपर कंसेप्ट है। बोले कि सर हम आपको इसमें कास्ट करें, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी पहले हीरो बनने आया था आज से 5 साल पहले मुंबई में। अब आने के बाद पता चला कि मतलब क्या होता है हीरो बनने के लिए। हम तो गाँव से उठे आ गए थे लेकिन यहाँ पे आज शायद होता है कि मेहनत का मतलब फल मीठा होता है। मेहनत किया, आज सबके नजरों में आया, तो आज इन्होंने अमित सर ने कास्ट किए और बोले कि आपके साथ हम पिक्चर कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये फिल्म सब कोई देखे और हम लोग का कोशिश ये रहा कि 100% पूरा हम लोग दें और इस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। पूरा कोशिश हम लोग अपने तरफ से ही दे सकते हैं। 5 सालों में सबसे पहले मैंने बहुत सीखा है सर, बहुत सीखा। मुझे पता भी नहीं था कि मतलब फिल्म क्या होता है, मुझे यहाँ तक भी नहीं पता था। यहाँ आने के बाद ही सब कुछ पता चला, असिस्ट किया। फर्स्ट मेरे फिल्म था जब प्यार किया तो डरना क्या, रमाकांत जी के साथ। रमाकांत सर मेरे गुरु जी हैं, उनके साथ मैंने पहला पिक्चर किया था एज असिस्टेंट में। उसके बाद आज मतलब 27-28 फिल्म में एज एसोसिएट डायरेक्टर तक काम किया और ये पहला फिल्म है कि मतलब सुना गया, मेरा दिल का दर्द सुना गया और मेरा मेहनत यार जमीन सर सुने हैं। अब सारा डोरीने के हाथ में है, बस मैं 100% दूंगा और अच्छे से काम करूंगा। मेरे हीरो बनने में सर तो अभी सबसे बड़ा सहयोग सर का है, अपने डायरेक्टर साहब का सहयोग है और बाकी तो मतलब सारी इंडस्ट्री साथ में है सर। आज जितना हम कर रहे हैं अपना सब रिलेशन का ही कमाल है, रिलेशन का ही मतलब एक देखा जाए तो डोरा है कि मतलब सब लोग आज मतलब इतना प्यार भरा, मतलब प्यार से देखने आए लोग मुझे कि चलो एक सद्दाम भाई है फिल्म कर रहा है तो सारा लोग सपोर्ट कर रहा है। और मुझे बहुत देख के खुशी हुई कि एक नए कास्ट के लिए, नए लड़के के लिए इतना लोग आए और इतना सपोर्ट किए, सबसे बड़ी बातें हैं। और हमारे विनय बिहारी सर हैं जो कि मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि सर के साथ कभी खड़ा हूँ, आज खड़ा और साथ में काम भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी शुक्रिया अदा काम है। देव सर भी हमारे, इनको मैं बराबर स्क्रिप्ट पढ़ाता था और अपने हीरोइज़म में रहता था, बोलते थे कि बेटा एक दिन जरूर बनोगे, आज वो दिन आ गया है सर। नहीं एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सर, पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ और मैं इनका सीनियर का रोल करूँगा, सीनियर हूँ मैं, जिस तरह से सीनियर का रोल है
इनको सही रास्ता दिखाने का काम मेरा ही है। तो अभी मैं सद्दाम की बात पर ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सद्दाम ने कहा कि इनका सपना पूरा हो गया हीरो बनने का, इंडस्ट्री में 99% लोग हीरो बनने ही आते हैं। किसी की हुनर है, हुनर है, किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। पर मेरा एक ही कहना, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई भी मौका मिले, चाहे वो हीरो का हो, चाहे आपको म्यूजिक में हो, चाहे लिरिक्स राइटिंग में हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में काम करना, अगर मौका मिला तो उस मौका में चौका मारना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में ये रोना नहीं कि मुझे मौका अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं बहुत छोटे छोटे सीन कर गया हूँ, मैं पीछे खड़ा होता था, एक लाइन मिलता था तो मुझे लगता था कि यार, जैसे इन्होंने रमाकांत जी की बात बताई तो मैं रमाकांत जी की फिल्म से ही आया था, एक सीन मिला। मुझे याद है मैं पहले जब डायलॉग बोलने गया था, मुझे डायलॉग आज भी याद है, आज आवे दे कुणाल सिंह कैसन कुचब वैसन कुचब के ऊपर देखे कचू मर, वो फिल्म रही दीवाना फिल्म का नाम है। तो उस जब मैं सेट पे गया तो तरह तरह के लोग बात कर रहे, डायलॉग बोल लोगे ना, ये कर लोगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने आप पे विश्वास जताया, हम आपके साथ सब खड़े हैं, मेहनत आपको करनी है और 100% करके आपको बताना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, जितने नए कलाकार हैं उनके लिए भी मेरी यही बात है, मौका मिले तो चौका जरूर मारिए, बस इतना ही कहूँगा। Planet Bhojpuri.